देखो भाई, आज बात करेंगे अपन सीड डोरमेंसी की, ठीक है। इससे पहले हमने बात कर ली थी सीड जर्मिनेशन की। सीड डोरमेंसी के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन जो बना चुका हूँ वो बना चुका हूँ। अपन लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, तो उसमें फिर से सीड डोरमेंसी आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। केवल नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के एग्जाम में नहीं, और भी बहुत सारे एग्जाम हैं जहाँ पर सीड डोरमेंसी से क्वेश्चन आ जाते हैं। आजकल की जो किताबें हैं उसमें तो सीड डोरमेंसी को जनरल एग्रीकल्चर में रखते हैं कि भाई इसको जनरल एग्रीकल्चर का पार्ट समझो। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। सबसे पहले तो समझो सीड डोरमेंसी को। देखो, इससे पहले आपने सीड जर्मिनेशन पढ़ लिया था। सीड जर्मिनेशन में क्या था, देखो भाई, पहले तो एक सीड बना लेते हैं अपन। ये कुछ सीड था इस तरह का, इसके ऊपर ये बना दिया हमने क्या, सीड कोट। ये रहा क्या, सीड कोट। आउटर लेयर क्या कहते हैं हम सीड की, सीड कोट, ठीक। ये वाला पार्ट क्या था, एंडोस्पर्म कहो, या फिर इसी को आप कॉटिलीडन भी कह सकते हैं, ठीक। ये था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको हमने कहा था एम्ब्रियो। इस एम्ब्रियो को याद करो, हमने क्या कहा था, फ्यूचर टाइनी प्लांट, भविष्य का छोटा पौधा है। इस सीड के अंदर एक छोटा पौधा है, भविष्य का छोटा पौधा, जो भविष्य में फ्यूचर में जाकर एक नया पौधा बनाएगा, एक नया प्लांट डेवलप करेगा। कौन, एम्ब्रियो। सब कुछ यही है, एम्ब्रियो ना हो तो वो सीड किसी काम का नहीं। तो ये एम्ब्रियो ही जर्मिनेट होता है। ये एम्ब्रियो किसके अंदर होता है, इस सीड कोट के अंदर। तो जब ये एम्ब्रियो जर्मिनेट होता है तो इस सीड कोट को तोड़कर, इस सीड कोट का सीना चीर के बाहर निकलता है एम्ब्रियो, और एक नया प्लांट बनता है सीड से। इतनी बात मैंने आपको बताई थी सीड जर्मिनेशन में। अब सीड जर्मिनेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो एम्ब्रियो है इसको बहुत सारे फैक्टर, मतलब सीड जर्मिनेशन की जो प्रोसेस है, मैंने आपको बताया था कि सीड जर्मिनेशन की प्रोसेस को पांच भागों में हमने बांटा था, पांच स्टेप में हमने बांटा था। सबसे पहली स्टेप थी इम्बाइबेशन, जिसमें पानी की बहुत ज़रूरत थी। तो यहाँ पर सीड जर्मिनेशन के लिए पानी की ज़रूरत थी, ठीक है। उसके बाद सीड जर्मिनेशन के लिए ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक। सीड जर्मिनेशन को लाइट की भी ज़रूरत पड़ती है, सीड जर्मिनेशन को टेम्परेचर की भी ज़रूरत पड़ती है। यानी कि ये बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जो सीड जर्मिनेशन को चाहिए। ये बहुत सारी एनवायरमेंटल कंडीशन है जो सीड जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी है। अगर ये सभी एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल रही तो सीड जर्मिनेट कर जाएगा। ये जो एम्ब्रियो है वो इस सीड कोट को तोड़कर बाहर निकल जाएगा, जिसे हम कहते हैं सीड जर्मिनेट। अब अगर मैं कहूँ कि सब कुछ फेवरेबल होने के बाद उस सीड को पानी भी मिल रहा है, उसे ऑक्सीजन भी मिल रहा है, उसे लाइट भी मिल रही है, उसे टेम्परेचर भी मिल रहा है, मतलब सब कुछ फेवरेबल है, कुछ भी उस सीड के खिलाफ नहीं है, कुछ सब कुछ उस सीड के अनुकूल है, प्रतिकूल कुछ नहीं है, सब कुछ फेवरेबल है, अनफेवरेबल कुछ भी नहीं है। तो जब सब कुछ फेवरेबल है, प्रॉपर वाटर है, ऑक्सीजन है, लाइट है, टेम्परेचर है, ये सब कुछ होने के बाद भी अगर ये सीड जर्मिनेट ना हो, ध्यान रखना मैंने क्या कहा, एक सिंपल लाइन में अगर मैं इसे डिफाइन करूं तो ये क्या होगा, सीड डोरमेंसी कैन बी डिफाइंड एज द इनएबिलिटी ऑफ सीड टू जर्मिनेट इवन इन द प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन। सब कुछ प्रेजेंट है, पूरी की पूरी फेवरेबल कंडीशन है, फिर भी ये सीड जर्मिनेट नहीं हो रहा है, उस कंडीशन को, उस परिस्थिति को ही कहते हैं सीड डोरमेंसी। आ गई बात समझ में, सीड डोरमेंसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द क्या है, फेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन। सब कुछ फेवरेबल है, उसके प्रतिकूल कुछ नहीं है, सब कुछ उसके अनुकूल है। सीड जर्मिनेशन के लिए जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है वो सब कुछ है, फिर भी सीड जर्मिनेट नहीं हो रहा, उस परिस्थिति को, उस कंडीशन को कहते हैं सीड डोरमेंसी। क्लियर। एक होता है क्यूसेंस, ये शब्द भी आपने सुना होगा क्यूसेंस, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। देखो, क्यूसेंस एक तरह का सीड डोरमेंसी ही है, लेकिन यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं तो इसको समझो। सिंपल, क्यूसेंस और सीड डोरमेंसी की डेफिनेशन एक जैसी है, बस एक चीज का फर्क है। फर्क क्या है कि यहां पर फेवरेबल कंडीशन होने के बाद भी सीड जर्मिनेट नहीं हो रहा, इसलिए उसे कहा सीड डोरमेंसी। यहाँ पर सीड जर्मिनेट नहीं होता क्योंकि यहाँ पर अनफेवरेबल कंडीशन होती है, यहाँ पर अनफेवरेबल
एनवायरमेंट कंडीशंस होती हैं। तो ये तो बड़ी ऑब्वियस बात है, ये तो बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है। जब अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन होगी, हो सकता है पानी ना हो या बहुत ज़्यादा हो सकता है, ऑक्सीजन ना हो, लाइट की दिक्कत हो, टेम्परेचर अच्छा ना मिल रहा हो, ऐसी कोई अनफेवरेबल, ऐसी कोई प्रतिकूल परिस्थिति बन रही हो, अनफेवरेबल कंडीशन हो रही हो, तो सीड जर्मिनेट नहीं होगा, ऑब्वियस बात है। तो उस कंडीशन में जब सीड जर्मिनेट नहीं होता तो उसे कहते हैं क्यूसेंस। तो ये क्यूसेंस एक टाइप का सीड डोरमेंसी ही है, ठीक। आपको बस इतना याद रखना है एग्जाम के पर्पस से, अगर अनफेवरेबल कंडीशन लिखा आ जाए तो आंसर लगाना है क्यूसेंस, और अगर फेवरेबल कंडीशन लिखा आ जाओ फिर भी सीड जर्मिनेट नहीं हो तो आंसर लगाना है सीड डोरमेंसी। आ गई बात समझ में। अब देखो ये जो सीड डोरमेंसी है, इस क्यूसेंस को मिटाओ यहां से, इसका काम खत्म। आ जाओ वापस सीड डोरमेंसी पर। देखो तो ये जो सीड डोरमेंसी है ये क्यों हुआ भाई? सब कुछ तो है, प्रॉपर लाइट मिल रही है, पूरी उसको एनवायरमेंटल कंडीशन मिल रही है, उसके बाद भी ये सीड डोरमेंसी में है, ये सीड जर्मिनेट नहीं हो रहा, क्यों भाई? देखो ये ठीक वैसा ही है जैसे कि अगर मुझे कल काम करना है तो आज मुझे सोना पड़ेगा, मुझे रेस्ट करना पड़ेगा, मुझे आराम करना पड़ेगा, तभी तो मैं कल काम कर पाऊंगा। अगर मैं कंटिन्यूसली काम करूंगा तो एक दिन निपट जाऊंगा भाई। तो अगर मुझे कंटिन्यूसली अगले दिन भी काम करना है तो एक दिन पहले मुझे आराम करना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, रेस्ट करना पड़ेगा। वही चीज़ सीड पे भी लागू होती है। देखो जब आपने एक सीजन में सीड को बोया, उसकी सोइंग करी, सोइंग करने के बाद क्या होगा, वो सीड जर्मिनेट होगा। जर्मिनेशन से कहाँ तक जाएगा, वो आपका मैच्योरिटी स्टेज तक जाएगा, ठीक है। मैच्योरिटी मतलब अब उसके आगे उस सीड में कोई भी ग्रोथ नहीं होगी। मैच्योरिटी स्टेज के बाद हम क्या करेंगे, उस सीड को हार्वेस्ट कर लेंगे। हार्वेस्ट करने के बाद उसे हम और ड्राई करेंगे और उसको स्टोर कर लेंगे, ठीक है। अगले सीजन में, नेक्स्ट ईयर में, यानी कि हमारा जो सेकंड सीजन आएगा, जो अगला सीजन आएगा, उस सीजन में इसको हम फिर से सोइंग करेंगे, ठीक है। फिर से सोइंग करने के बाद ये फिर जर्मिनेट होगा। ये प्रोसेस रहती है भाई, सीड से सीड बनता जाता है, ठीक है। फिर जर्मिनेट होगा, फिर ये मैच्योरिटी आएगी, हार्वेस्ट करेंगे, फिर उसको ड्राई करेंगे, फिर स्टोर करेंगे, फिर से वही वाला सीजन लौट के आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर जब हमने सीड को ड्राई कर लिया और उसको स्टोर कर दिया, मतलब इस वक्त जो सीड है वो रेस्टिंग स्टेज में आ गया है। वो कैसी स्टेज में पहुँच गया है, रेस्टिंग स्टेज में आ गया है, यानी कि अब जो सीड है वो इनएक्टिव हो चुका है, उसके अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है। और ये सीड रेस्टिंग स्टेज में, इनएक्टिव स्टेज में कब तक रहेगा, जब तक इसकी अपन सोइंग नहीं कर दोगे, मतलब जब तक आप इसको जगाओगे नहीं, सोता रहेगा। स्टोर किया हुआ रखा है एक बोरे में, हमने बांध के रख दिया तो वहीं पर पड़ा रहेगा, सोता रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। जब तक उसकी सोइंग नहीं करोगे, उसको पानी नहीं दोगे, ये सारी कंडीशंस उसको नहीं दोगे, लेकिन अचानक से तो नहीं जग जाएगा भाई। आज मैंने अगर सोइंग कर दी तो क्या आज ही सीड जर्मिनेट हो जाता है क्या? कभी ऐसा देखा है कि आज सीड बो दिया और आज ही जर्मिनेट हो गया? ऐसा नहीं होता, 2 से 3 दिन लगते हैं। कुछ सीड तो ऐसे होते हैं जिनमें हफ्तों लग जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें महीनों, कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिनमें सालों लग जाते हैं। अगर मैं बीज को आज बो दूं तो कुछ सीड तो ऐसे हैं जो कुछ दिनों बाद, 4-5 दिन बाद जर्मिनेट हो जाएंगे। तो जो 4-5 दिन बाद जो बीज का जो समय लगा है, जो 4 से 5 दिन लगे हैं ना, उसी को कहते हैं डोरमेंसी, उसी को कहते हैं रेस्टिंग पीरियड, उसी को कहते हैं रेस्टिंग फेज। तो ये जो रेस्टिंग फेज है, कहां से कहां तक की, जर्मिनेट होने तक की, ये जो पूरा की पूरा टाइम पीरियड है, या फिर इसको आप यहां से भी काउंट कर सकते हो, स्टोरेज की जगह आप इसे सीधे यहां से काउंट करो। मैच्योरिटी होने के बाद अगले सीजन में जब तक वो जर्मिनेट नहीं हो जाता, उस पूरी समय अवधि को, उस पूरे टाइम पीरियड को हम क्या बोल सकते हैं, रेस्टिंग स्टेज। तो ये रेस्टिंग स्टेज भी क्या है, यही है डोरमेंसी। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सीड डोरमेंसी क्या है। सीड डोरमेंसी को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सीड डोरमेंसी इज द रेस्टिंग स्टेज ऑफ सीड। तो भाई सीड डोरमेंसी क्या है, इट इज़ द रेस्टिंग स्टेज ऑफ द सीड। उसके आराम करने की अवस्था है, उसके आराम करने का समय है। हर एक सीड का अपना अपना समय होता है भाई। ये जो इनएक्टिव है, ये जो रेस्टिंग स्टेज है, ये कब तक आराम करेगा? ये हो सकता है कुछ दिनों तक आराम करे, ठीक है। ये हो सकता है कुछ महीनों तक आराम करे, हो सकता है ये कुछ सालों तक भी आराम कर सकता है।
ऐसे भी सीड होते हैं जिनको आज बो दो, हो सकता है वो एक दो साल बाद जाके जर्मिनेट हो। ऐसे भी सीड होते हैं जिनको आज बो तो महीने बाद जाके जर्मिनेट हो। कुछ सीड ऐसे होते हैं, जनरली अपनी फील्ड क्रॉप तो ऐसी होती है कि आज बो तो 4-5 दिन बाद जर्मिनेट हो जाती हैं। ठीक, यानी कि जब तक आप उनको जगाओगे नहीं तब तक वो जर्मिनेट नहीं होंगे, उसमें भी समय लगता है, 4 से 5 दिन, 2 से 3 दिन का समय ऐसा लग जाता है। तो ये जो रेस्टिंग पीरियड है, ये जो इनएक्टिव स्टेज है ना, इसी को कहते हैं सीड डॉर्मेंसी। आ गई बात समझ में, सीड डॉर्मेंसी क्या है? सीड डॉर्मेंसी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि भाई सीड डॉर्मेंसी कैन बी डिफाइंड एज द इनएबिलिटी ऑफ सीड टू जर्मिनेट इवन इन द प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन। और वी कैन ऑल्सो डिफाइन द सीड डॉर्मेंसी, इट इज द रेस्टिंग स्टेज ऑफ द सीड, सिंपली। ठीक है भाई, सीड डॉर्मेंसी को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि ये सीड जर्मिनेशन की एक इनएबिलिटी है, एक सीड जो कि फेवरेबल कंडीशन होने के बाद भी जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है, उसी को सीड डॉर्मेंसी कहा जाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि सीड डॉर्मेंसी क्या है, किसी भी सीड की जो आराम करने वाली अवस्था होती है, जो रेस्टिंग स्टेज होती है, जो उसका रेस्टिंग पीरियड होता है मैच्योरिटी से लेकर जर्मिनेशन होने तक का, उसको भी हम डॉर्मेंसी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये सीड डॉर्मेंसी होती कैसे है? देखो, कंबाइंड फैक्टर यहाँ पर काम कर सकते हैं। हो सकता है ये जो सीड डॉर्मेंसी है भाई, फैक्टर तो यही है, यही फैक्टर हो सकते हैं। हो सकता है ये सीड डॉर्मेंसी लाइट की वजह से हो सकता है ये सीड डॉर्मेंसी ऑक्सीजन की वजह से हो सकता है ये सीड डॉर्मेंसी टेम्परेचर की वजह से हो सकता है ये सीड डॉर्मेंसी किसी ह्यूमन मिस्टेक की वजह से हो, हमारी कोई गलती हो गई उसकी वजह से सीड डॉर्मेंसी हो सकता है ये सीड डॉर्मेंसी हार्ड सीड कोट की वजह से हो। हार्ड सीड कोट, ये देख रहे हो आप, सीड कोट ही इतना मजबूत है कि एम्ब्रियो बाहर ही नहीं निकल पा रहा, हो सकता है हार्ड सीड कोट की वजह से हो सकता है ये जो डॉर्मेंसी है वो इम्परमिएबल सीड कोट की वजह से हो। इम्परमिएबल सीड कोट इम्परमिएबल किसके लिए? वाटर के लिए भी हो सकता है और ऑक्सीजन के लिए भी हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया था, इस एम्ब्रियो को क्या चाहिए? पानी भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए, लेकिन वो पानी और ऑक्सीजन जाएगा कहाँ से? इस सीड कोट से होते हुए जाएगा। यहाँ पर मैंने बताया था ना क्या होता है, माइक्रोपाइल, यहीं से होके जाता है। अगर मान लो ये सीड कोट इम्परमिएबल है, मतलब पानी अंदर जा ही नहीं सकता, ना ऑक्सीजन अंदर जा सकती है, तो ये एम्ब्रियो कभी भी इम्बाइबेशन नहीं होगा, कभी भी इसके अंदर रेस्पायरेशन नहीं होगा, मतलब ये एक्टिवेट ही नहीं होगा, मतलब ये जर्मिनेट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सीड उस केस में इम्परमिएबल है, सीड कोट उस केस में इम्परमिएबल है। ठीक है भाई, तो ये बहुत सारे फैक्टर यहाँ पर हो सकते हैं डॉर्मेंसी के। ठीक, अब इन्हीं फैक्टर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स, सीड डॉर्मेंसी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। इन्हीं फैक्टर के आधार पर हम सीड डॉर्मेंसी को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। अब वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? देखो, फैक्टर कौन कौन से होंगे? यही लाइट, टेम्परेचर, ठीक है, ऑक्सीजन, वाटर, इम्परमेबिलिटी ऑफ सीड कोट, हार्ड सीड कोट, इस तरह के बहुत सारे फैक्टर हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इन्हीं फैक्टर के बेसिस पर, इन्हीं फैक्टर के आधार पर हम सीड डॉर्मेंसी को 3 टाइप में पढ़ते हैं। कितने टाइप की सीड डॉर्मेंसी पढ़ेंगे? 3 टाइप की, 3 टाइप्स। कौन कौन सी? देखो, सबसे पहली तो होती है इननेट डॉर्मेंसी, ठीक है। दूसरी होती है आपकी एनफोर्स्ड डॉर्मेंसी। तीसरी कौन सी है आपकी? इंड्यूस्ड डॉर्मेंसी। ये 3 टाइप की डॉर्मेंसी है। किस बेसिस पर थी? वही मैंने बताया था आपको, बहुत सारे फैक्टर हैं। फैक्टर कौन से? ये वाले, और कुछ और जोड़ दो उसमें, सीड कोट, हार्ड सीड कोट, इम्परमेबिलिटी ऑफ द सीड कोट, ये सभी फैक्टर काम करते हैं। इन्हीं सभी फैक्टर के आधार पर ये 3 टाइप की डॉर्मेंसी आपको याद रखनी है। पहली इननेट डॉर्मेंसी, दूसरी एनफोर्स्ड डॉर्मेंसी, और तीसरी इंड्यूस्ड डॉर्मेंसी। अब देखो यहाँ पर भाई, इननेट का मतलब क्या होता है? इननेट का मतलब होता है जन्मजात, जन्म से ही उसके अंदर डॉर्मेंसी है। तो जब किसी चीज़, कोई भी चीज़ जब जन्मजात होती है, जन्म से ही कोई कैरेक्टर लेके पैदा होता है, इसका मतलब उसके जीन में कुछ लोचा है, मतलब यहाँ पर जो कारण है वो क्या है? जेनेटिक है। हो सकता है उसके अंदर कोई केमिकल लोचा हो सकता है वो कुछ,
केमिकल की वजह से हो, उसकी बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शन हो, कुछ ऐसे केमिकल जन्मजात ही उसकी बॉडी में बन रहे हों, और वो केमिकल भी किसकी वजह से बनेंगे, जेनेटिक की वजह से बनेंगे, जीन की वजह से बनेंगे। तो जब डोरमेंसी जेनेटिक की वजह से हो, किसी सीड के जीन की वजह से हो, किसी सीड के डीएनए की वजह से हो, तो उसे कहेंगे इननेट डोरमेंसी। ठीक है, यहाँ पर एनवायरमेंटल फैक्टर का कोई लेना देना ही नहीं है, भले ही कैसा भी एनवायरमेंटल फैक्टर बना रहे वो सीड जर्मिनेट होगा ही नहीं, क्योंकि उसका जीन ही खराब है, उसके अंदर ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से वो सीड जर्मिनेट हो ही नहीं पा रहा। दूसरा है एनफोर्स्ड डोरमेंसी। एनफोर्स्ड डोरमेंसी मतलब सीड में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, सीड बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर ह्यूमन मिस्टेक, हम लोगों की गलती की वजह से हो सकता है ये सीड डोरमेंसी आ गई हो, जैसे कि लाइक डीपर प्लेसमेंट ऑफ सीड, डीपर प्लेसमेंट ऑफ सीड। सीड बढ़िया है, सीड को पूरी फेवरेबल कंडीशन मिल रही है, उसका जेनेटिक भी बढ़िया है, उसका केमिकल भी बढ़िया है, हमने क्या कर दिया, उस सीड को ज़मीन में बहुत ज़्यादा गहराई तक बो दिया। तो जब ज़मीन में आपने उसको बहुत ज़्यादा गहराई तक बो दिया, तो उसको अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उसको लाइट नहीं मिलेगी, उसका टेम्परेचर बिगड़ जाएगा, सीधी सी बात है, पानी ज़्यादा भर गया तो वाटर लॉक वहीं सड़ जाएगा, ऊपर बाहर ही नहीं निकलेगा। यानी कि जब ह्यूमन मिस्टेक हो रही हो, हम लोगों की वजह से, कोई गलती की वजह से अगर डोरमेंसी आ जाए, तो उसे कह देते हैं एनफोर्स्ड डोरमेंसी। आगे ये बात समझ में, उसे क्या कहते हैं, एनफोर्स्ड डोरमेंसी। जैसे कि डीपर प्लेसमेंट, हमने क्या कर दी, गलती कर दी, हमने उस सीड को ज़्यादा गहराई में बो दिया, ज़्यादा गहराई में बोने की वजह से उसमें डोरमेंसी आ गई, वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही, लाइट नहीं पहुँच रही, उसका टेम्परेचर बिगड़ गया है, उसमें पानी मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा मिल गया, पानी पहुँच ही नहीं रहा, मान लो अगर कहीं ड्राई लैंड एरिया में है तो सीड जर्मिनेट नहीं होगा। ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं, एनफोर्स्ड डोरमेंसी। एक होता है इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड तो आप समझ रहे हो, इंड्यूस्ड का मतलब हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। तो देखो, इंड्यूस्ड डोरमेंसी हो सकता है अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से। अनफेवरेबल कंडीशन क्या हो सकती है, यहाँ पर टेम्परेचर कम ज़्यादा हो सकता है, यहाँ पर लाइट की प्रॉब्लम हो सकती है, ये कुछ जो कि अपनी एनवायरमेंटल कंडीशन है, ये अगर अनफेवरेबल हो जाए, उसको प्रॉपर लाइट नहीं मिल रही हो, टेम्परेचर बहुत कम ज़्यादा हो जाए, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे उस डोरमेंसी को, इंड्यूस्ड डोरमेंसी। आ गई बात समझ में, ये तीन प्रकार की डोरमेंसी आपको याद रखनी है, एक होती है इननेट डोरमेंसी, दूसरी होती है एनफोर्स्ड डोरमेंसी, और तीसरी होती है इंड्यूस्ड डोरमेंसी। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपन इस एक पॉइंट और, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, एक बार पूछा जा चुका है वाइल्ड ओट के ऊपर, बॉटनिकल नेम क्या है इसका, एविना फेटुआ। एक होता है एविना सटाइवा, वो अपना नॉर्मल ओट होता है, ठीक है, ये वाइल्ड ओट है, जंगली ओट है, एविना फेटुआ इसका बॉटनिकल नेम होता है। इस पर क्वेश्चन आता है कि ये तीनों टाइप की डोरमेंसी कौन कौन सी, इननेट डोरमेंसी, एनफोर्स्ड डोरमेंसी और इंड्यूस्ड डोरमेंसी, ये तीनों टाइप की डोरमेंसी इसके अंदर पाई जाती है। All three types of dormancy, ये तीनों टाइप की जो डोरमेंसी है वो इसके अंदर पाई जाती है वाइल्ड ओट के अंदर। क्लियर हो गया। अब देखो, अब बात करते हैं कि इस डोरमेंसी को कैसे तोड़ा जाए, कैसे इसको रिमूव करें, वहाँ से आते हैं कई सारे क्वेश्चन। ठीक, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई सी डोरमेंसी को तोड़ोगे कैसे। डोरमेंसी तो हो गई, होती है, नेचुरल कंडीशन है, ये तो नेचुरल फिनोमेना है, हर एक के अंदर पाई जाती है। सीड तो सो रहा है आराम वाली कंडीशन में, अब हमारा काम है कि सीड को जगाओ, उसको एक्टिवेट करो कि भाई जग जा, तुझे अब जर्मिनेट होना है, एक नई फसल बनानी है। तो कैसे आप इस सीड, इस डोरमेंसी को तोड़ोगे, मैथड ऑफ ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी, कई सारे तरीके हैं सीड डोरमेंसी को तोड़ने के। ये थ्री टाइप यहाँ से हटाओ, देखो भाई इसमें सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है स्कैरिफिकेशन। कौन सा, स्कैरिफिकेशन, कई बार बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, क्या कहते हैं इसको, स्कैरिफिकेशन। स्कैरिफिकेशन में सबसे सिंपल सी बात है, अगर सीड डोरमेंसी इस सीड कोट की वजह से हो रही हो, मान लो कि ये सीड कोट बहुत ज़्यादा हार्ड है, इतना ज़्यादा हार्ड है कि सब कुछ फेवरेबल कंडीशन होने के बाद भी ये एम्ब्रियो इस सीड कोट को तोड़ ही नहीं पा रहा है, इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, ऐसी कंडीशन में क्या करोगे। सीड कोट जब हार्ड हो तो उस कंडीशन में क्या करना है, इस सीड कोट को नरम बनाना है, इसको मुलायम करो। कैसे करोगे, बहुत सारे तरीके हैं, मतलब इस स्कैरिफिकेशन में अपना क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि इस स्कैरिफिकेशन में होता क्या है।
तो इस स्केरिफिकेशन में हम क्या करते हैं, टू वीकन या टू लूज दी सीड कोट, हमको क्या करना है, सीड कोट को कमजोर करना है, सीड कोट को मुलायम बनाना है, उसको नर्म बनाना है, जिसकी जिससे एम्ब्रियो सीड कोट को तोड़कर जर्मिनेट हो जाए। अब कैसे करेंगे, सीड कोट को नरम कैसे बनाओगे, उसको मुलायम कैसे बनाओगे, उसको कमजोर कैसे करोगे, बाय मैकेनिकली। मैकेनिकली आप कैसे करोगे, भाई देखो मैकेनिकल में आप मशीन का यूज़ कर सकते हो, मतलब यहाँ पर अपन स्क्रैचिंग करेंगे, क्या करेंगे मशीन से, सीड स्क्रैचिंग, मतलब सीड उसको खरोंच देंगे, बीज को क्या कर देंगे, खरोंच देंगे, सीड स्क्रैचिंग कर देंगे, जब बीज खरोंच जाएगा उसका जो सीड कोट होगा वो अपने आप ही कमज़ोर पड़ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप केमिकल का यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा आप यहाँ पर हार्मोन का यूज़ कर सकते हो, इन सब चीज़ों का भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर थर्मल भी यूज़ कर सकते हो, मतलब टेम्परेचर का भी यूज़ कर सकते हो। थर्मल में जैसे कि थर्मल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर थर्मल में आप हॉट वाटर ट्रीटमेंट दे सकते हो, हॉट वाटर ट्रीटमेंट, अगर आपको किसी सीड का सीड कोट कमज़ोर बनाना है, उसको मुलायम करना है, तो आप हॉट वाटर ट्रीटमेंट, यहाँ पर आप 75 से 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाले गर्म पानी का यूज़ करें और सीड को ट्रीट करें, तो उससे सीड कोट जो है वो मुलायम पड़ सकता है। इसके अलावा आप यहाँ पर एसिड का यूज़ कर सकते हो, एसिड में तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कॉटन के ऊपर, कि कॉटन में सीड डोरमेंसी को तोड़ने के लिए या कॉटन में सीड कोट को नरम करने के लिए, उसको वीक करने के लिए, उसको कमज़ोर करने के लिए कौन से एसिड का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर आपको यूज़ करना है कंसेंट्रेटेड H2SO4, कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बोलते हैं H2SO4 को, सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पर हमको कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करना है, किस में, कॉटन में, ये बात आप लोग याद रखना, ठीक। कई बार यहाँ पर रेशो में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई कॉटन और कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रेशो क्या है, तो आप रेशो भी याद रखो 10:1 में इसका रेशो लिया जाता है, इनकी जो क्वांटिटी होती है वो 10:1 के हिसाब से ली जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर हार्मोन का भी यूज़ कर सकते हो, हार्मोन में आप बेसिकली यहाँ पर जिब्रेलिक एसिड का यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर आप साइटोकाइनिन का यूज़ कर सकते हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक यहाँ पर और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन है जो सीड डोरमेंसी को बढ़ाता है, तो वो हार्मोन है ABA, ये क्या करता है, सीड डोरमेंसी को इंक्रीज करता है, सीड डोरमेंसी को बढ़ाता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन है जो सीड डोरमेंसी को कम करता है, तो सीड डोरमेंसी को कम करने वाले हार्मोन है जिब्रेलिक एसिड और साइटोकाइनिन, एक चुनना पड़े तो आंसर होगा जिब्रेलिक एसिड, क्लियर। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा हार्मोन सीड डोरमेंसी को बढ़ाता है, तो वो एबेसिक एसिड है, और कौन सा हार्मोन सीड डोरमेंसी को कम करता है, तो वो आपका जिब्रेलिक एसिड है, क्लियर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है पोटैटो में कि बताओ पोटैटो की सीड डोरमेंसी कैसे तोड़ी जाए, तो यहाँ पर पोटैटो के केस में आप थायो यूरिया का यूज़ करें, इस पर क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन परसेंटेज पर भी आ चुका है कि कितना परसेंटेज इसका यूज़ करना है, 1%। इसके अलावा पोटैटो के केस में आप पोटेशियम नाइट्रेट का यूज़ करें, KNO3 का यूज़ करें, इसका परसेंटेज होता है 1-3% तक आपको यूज़ करना है। इसके अलावा आप जिब्रेलिक एसिड का तो यूज़ कर ही सकते हो, इन सब लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर है थायो यूरिया, इस पर क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो ये आप लोग याद रखना, पोटैटो में अगर डोरमेंसी को तोड़ना हो तो आप थायो यूरिया का यूज़ कर सकते हो, कितना, 1%। ये तो हो गया अपना स्कैरिफिकेशन, ये डाटा आप लोग याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो दूसरा मेथड है आपका प्रेशर के द्वारा, हाई प्रेशर क्रिएट करो तो उससे भी अपन सीड डोरमेंसी को तोड़ सकते हैं। देखो अब हाई प्रेशर से कैसे करोगे, देखो भाई बाय प्रेशर, पहला तो पढ़ लिया अपन स्केरिफिकेशन, दूसरा पढ़ेंगे बाय प्रेशर, प्रेशर की मदद से भी अपन इसको तोड़ सकते हैं। इसमें क्या करना है अपन को, प्रेशर में अपन को कितना प्रेशर लेना है, 2000 ATM एटमोस्फेरिक प्रेशर, ATM यूनिट होती है प्रेशर की, ठीक है, तो 2000 अपन को प्रेशर रखना है, ATM 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बना के रखना है और टाइम रखना है 15-20 मिनट, ये डाटा आप लोग याद रखना,
कि अगर अपन प्रेशर में यूज़ करना चाहते हैं तो 2000 एटीएम का प्रेशर बनाना है 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 15 से 20 मिनट तक, तो आप सीट डोरमेंसी को तोड़ सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल पे आप याद रख लो, यहाँ पर स्वीट क्लोवर में अपन ऐसा करते हैं। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है आपका मेडिकागो सटाइवा। बताओ भाई मेडिकागो सटाइवा का कॉमन नेम क्या होता है, कमेंट में लिखना मुझे। ठीक है, स्वीट क्लोवर को क्या कहते हैं हिंदी में भी कमेंट में लिखना। तो स्वीट क्लोवर और मेडिकागो सटाइवा ये दोनों में अपन प्रेशर का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा देख लो अपना एक है अपना स्ट्रेटिफिकेशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इससे पहले हमने पढ़ा था स्कैरिफिकेशन और ये होता है स्ट्रेटिफिकेशन, दोनों में बहुत अंतर है। वो स्कैरिफिकेशन था, ये स्ट्रेटिफिकेशन है। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन आता है इसकी डेफिनेशन होती है, ये एक तरह का लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट है। ये क्या है, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। कितना लो टेम्परेचर, 0 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस तक। कितना भाई, 0 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस तक, 24 आवर्स, एक दिन के लिए, सॉरी फॉर 24 आवर, एक दिन तक जब आप किसी सीड को लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देते हो। लो टेम्परेचर भी कितना है, 0 से लेके 8 डिग्री। कई किताबों में आपको ये 2 से 8 डिग्री सेल्सियस भी मिल जाता है, कई जगह पर आपको 0 से 5 डिग्री सेल्सियस भी मिल जाता है, दोनों याद रख लेना। ठीक है, क्वेश्चन वैसे यहाँ से तो बहुत ही कम पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट को और क्या कहते हैं, तो लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट को हम स्ट्रेटिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक भाई, इतनी बात समझ में आ गई। और देखो एक होता है हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर का भी आप यूज़ कर सकते हो। हाई टेम्परेचर में आप, एक मिनट ऊपर का बोर्ड मिटा देता हूँ मैं, ठीक। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया, अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, स्कैरिफिकेशन हो गया, स्ट्रेटिफिकेशन हो गया, अब आ जाओ हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट। देखो फोर्थ है आपका कौन सा, हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट। हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट में क्या करना है, 40 से 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आप सीड को ट्रीट करो। किसके केस में, एग्जांपल याद रख लो राइस, कभी क्वेश्चन तो नहीं आया यहाँ पर, जैसे कि राइस के केस में क्या करते हैं, राइस सीड को आप ट्रीट कर सकते हो इन 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, तो उससे अपन सीड कोट, सॉरी उसकी सीड डोरमेंसी को ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। क्वेश्चन कभी आज तक पूछा नहीं गया, बस याद रख लो। याद आपको सबसे इंपॉर्टेंट रखना है कि स्कैरिफिकेशन और दूसरा स्ट्रेटिफिकेशन, यही दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पांचवा है एक लाइट, ठीक है, लाइट वाला जो चक्कर है वो सिर्फ फोटोब्लास्टिक सीड में ही काम करता है। फोटोब्लास्टिक सीड क्या है ये मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। फोटोब्लास्टिक सीड वे सीड होते हैं जिनको लाइट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि जिनका जर्मिनेशन लाइट से अफेक्टेड हो। अब इसमें भी आपने पता है तो मैंने, एक होता है पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक और एक होता है नेगेटिव फोटोब्लास्टिक। पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक मतलब जो लाइट की प्रेजेंस, मतलब जो दिन में जर्मिनेट करते हैं। नेगेटिव फोटोब्लास्टिक मतलब जो लाइट की एब्सेंस में जर्मिनेट करते हैं, मतलब रात में जर्मिनेट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सीड के अंदर एक पिगमेंट होता है, एक लाइट रिसीविंग पिगमेंट होता है, जिसको बोलते हैं हम फाइटोक्रोम। ये फाइटोक्रोम पिगमेंट जो है वो लाइट को रिसीव करता है, और ये फाइटोक्रोम पिगमेंट सीड के अंदर दो फॉर्म में पाया जाता है, एक होता है PR और दूसरा होता है PFR। ये मैं बता चुका हूँ आपको, PR जो होता है वो इनएक्टिव होता है और PFR जो है वो एक्टिव होता है। तो जब इस पर लाइट पड़ती है तो लाइट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइट होती है वो होती है रेड लाइट। तो जब इसके ऊपर रेड लाइट पड़ती है, रेड लाइट नैनोमीटर याद रखना आपको, 660 नैनोमीटर वेवलेंथ, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जब 660 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली लाइट, यानी कि रेड लाइट जब इस पर पड़ेगी, तो ये जो PR होगा जो कि इनएक्टिव है, PR मतलब फाइटोक्रोम है, ये इनएक्टिव है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, PFR में, एक्टिव स्टेज में। और जब ये एक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा तो वहाँ पर सीड जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब डोरमेंसी टूट जाएगी। और अगर यहाँ में मैं अप्लाई कर दूँ PFR, यहाँ पर अगर मैं अप्लाई कर दूँ, सॉरी फार रेड लाइट, फार रेड लाइट इससे थोड़ा सा आगे, जिसकी वेवलेंथ होती है 730 नैनोमीटर, तो जब 730 नैनोमीटर वाली लाइट इस पर पड़ेगी तो क्या होगा, ये जो PFR है ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, PR में, तो ये हो जाएगा इनएक्टिव। इनएक्टिव मतलब सीड वापस से डोरमेंसी में चला जाता है। मतलब रेड लाइट क्या करता है, डोरमेंसी को तोड़ता है, और फार रेड लाइट क्या करता है, डोरमेंसी को बढ़ाता है। इतनी बातें आपको याद रखनी है।
तो ये कंप्लीट हो गया अपना क्या सीड डॉर्मेंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये आप लोग कवर कर लो।